हेलो नेम इज़ एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ स्विच गेर एंड प्रोटेक्शन प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रो रिलेज विच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क टाइप रिलेज ओके और उसमें से जो सबसे पहला हमारा रिले हमने देखा जिसका टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिलेज ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिलेज हमने देखा और उसमें से जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज अट्रैक्शन आर्मेचर टाइप रिले कि कौन सा अट्रैक्शन आर्मेचर टाइप रिले तो आज हम देखेंगे सोलेनॉइड टाइप रिले ओके सोलेनॉइड टाइप रिले क्या होता है ठीक है इट कंसिस्ट ऑफ अ सोलेनॉइड एंड मूवेबल आयरन प्लंगर ठीक है यहाँ पे लिख लेती हूं इट कंसिस्ट ऑफ अ सोलेनॉइड एंड मूवेबल आयन प्लंगर एक सोलेनॉइड एंड एक जो मूविंग आयरन प्लंगर होता है उससे ये बना हुआ होता है ये हमारा सोलेनॉइड टाइप रिले ठीक है यह है आयन का प्लंगर और ये पॉइंट आएगी ट्रिप सर्किट को ठीक है इसमें मटेरियल कौन सा यूज किया गया है सोलेनॉइड टाइप मटेरियल इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट में बोला गया है इट कंसिस्ट ऑफ अ सोलेनॉइड एंड मूवेबल आयन

करंट uh, इस तरीके से था रिले कॉइल के थ्रू सो दैट उसका जो um, क्या कहते हैं आर्मेचर है वो एक पोजीशन पे जो है होल्ड करे इसमें भी बिल्कुल सेम ऐसा है द करंट थ्रू द रिले कॉइल इन सच दैट इट होल्ड्स प्लंगर बाय ग्रेविटी और स्प्रिंग इन पोजीशन शोन ठीक है इस पोजिशन में जिस पोजिशन में इसको दिखाया गया है उस पोजिशन में होता है अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन जो करंट होता है रिले कॉइल के थ्रू इस तरीके से होता है कि वो क्या करता है जो प्लंगर है ठीक है उसको होल्ड करता है बाय द ग्रेविटी और स्प्रिंग इन पोजीशन शोन इन ओके देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉल्ट ऑकर्स ऑन मींस व्हेन द फॉल्ट ऑकर्स ऑन सिस्टम या फिर मैं कह सकती हूँ फॉल्टी सिस्टम ठीक है तो क्या होता है दी करंट थ्रू द रिले कॉइल आर्मेचर टाइप द करंट थ्रू द रिले कॉइल इंक्रीजेस ठीक है करंट जो होता है रिले कॉइल के थ्रू इंक्रीज हो जाता है एंड बिकम्स मोर मोर देन पिक वैल्यू ठीक है पिक वैल्यू से भी जो है वो ज्यादा हो जाता है ठीक है वैल्यू से भी उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है इस तरीके से जो है करंट रिले कॉइल के थ्रू जो है इंक्रीज हो जाता है इन फॉल्टी कंडीशन ओके सो दिस अट्रैक्ट द दोलेनॉइड तो इस तरीके से जो है प्लंगर जो है अट्रैक्ट हो जाता है प्लंगर ओके टूवर्ड्स सोलेनॉइड तो इस तरीके से हमारा जो प्लंगर है वो अट्रैक्ट हो जाता है दी सोलेनॉइड एज दी फॉल्ट करंट थ्रू रिले इंक्रीजेस एंड बिकम्स मोर देन पिक वैल्यू वैल्यू से भी इसकी वैल्यू जो है ज्यादा हो जाती है इस करंट की फॉल्ट करंट की थ्रू द रिले कॉइल ओके एंड दलंगर अट्रैक्ट टूवर्ड्स दोलिनॉइड ओके देन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्लंगर क्लोजेस द ट्रिप सर्किट क्या होता है इस तरीके से जो प्लंगर है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जब सोलेनॉइड के तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव होता है उसका मूवमेंट होता है ठीक है सो द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द द्लंगर क्लोज द ट्रिप सर्किट तो इस रीजन से जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्लंगर मूव होता है तो क्या होता है ट्रिप सर्किट जो है वो क्लोज हो जाता है ओके तज ओपनिंग द सर्किट ब्रेकर और इसी रीजन से जो है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट जो है ओपन हो जाते हैं ओके okay.

यहाँ पे क्या बोला है कि जो आयरन प्लंगर है वो फॉल्टी कंडीशन में जो है आ, अट्रैक्ट होगा सोलेनाइड के तो वैसे जैसे ही वो अपवर्ड डिरेक्शन में अट्रैक्ट होगा जो करंट होगा ठीक है वो इंक्रीज हो जाएगा सॉरी जो है करंट इंक्रीज हो जाएगा और प्लंगर जो है हमारा अट्रैक्ट होगा टूअर्ड्स दी और जैसे अट्रैक्शन होगा उसका अपवर्ड डायरेक्शन में जो सर ट्रिप सर्किट है वो क्लोज हो जाएगा ठीक है और जो सर्किट ब्रेकर है उसकी कांटेक्ट जो है ओपन हो जाएंगे और जो फॉल्टी सर्किट है हमारा हेल्दी सेक्शन जो है सेक्शन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से सोलेनॉइड टाइप रिले जो है काम करता है ओके तो ये तो हो गया हमारा आज का दिस इज रिले टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोडमिक डिस्क टाइप रिले ओके इलेक्ट्रोडायनेमिक डिस्क टाइप रिले का सेकेंड टाइप uh, है ठीक है तो इसके बाद जो हम देखेंगे दैट बी बैलेंस बीम टाइप रिले ओके वो देखेंगे उसकी डायग्राम एंड देन उसका कंस्ट्रक्शन और उसके एप्लीकेशन हम देखेंगे ओके okay, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में